हरियाणा सीएम फ्लाइंग की टीम इन दिनों प्रदेश भर में काफी एक्टिव दिखाई दे रही है। खास तौर पर अगर पानीपत जिले की बात करें तो पानीपत में सीएम फ्लाइंग की टीम एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और एक के बाद एक रेड मार रही है। ताजा मामला पानीपत की साई कॉलोनी से सामने आया है, जहां सोमवार को सीएम फ्लाइंग की टीम ने सूचना के आधार पर कॉलोनी में चल रही डीआर ट्रेडर के नाम से अचार फैक्ट्री पर छापेमारी की। फैक्ट्री में पहुंची टीम ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि अचार को बनाते वक्त ड्रमों में भरकर खुले में रखा जाता है, इसी आधार पर रेड की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि फैक्ट्री में कई तरह का अचार बनाया जा रहा था, जिसके सैंपल ले लिए गए हैं। नया माल रखे हुआ, कच्चा माल रखे थे, इनका ड्रम रखे हैं बाहर। यही सूचना मिली थी कि बाहर रखे हुआ यार, वहाँ धूल मिट्टी उठती रहती है। यहाँ के देखा सैंपल भरे गए, सैंपल में पता लगे सारी बात का। तो कितने प्रकार का अचार बनाते हैं? कई तरह का बनाते हैं, आंवले का, मिर्च का, टीट का, आम के अचार, नींबू का अचार, कई तरह के बनाते हैं। कब से चल रही है ये? सेम फ्लाइंग के पास कंप्लेन गई थी, भाई डी आर फूड वाले हैं, वो अचार बना रहे हैं, रख रखाव ठीक नहीं कर रहे हैं, गली के अंदर सामान रखा हुआ है तो उसके अंदर कोई अंदेशा है, कोई आगे आगे से है ना कुछ डाल जाए उसके, हैं कल को जान माल का नुकसान ना हो, इसलिए आए हम। इनके जितने भी बना हुआ है, जो भी ब्रांड है, सब सैंपल ले रहे हैं। कितने ब्रांड ले रही है? हाँ, अभी ब्रांड तो इनके पास दो है, एक मीनाक्षी के नाम से, डी आर फूड के नाम से, और जो इनका बना हुआ है ड्रमों में रखा है अचार, उनके हम बिना ब्रांड के, जैसे अपने है ना प्लेन, अभी इनने पैकिंग की नहीं है, उनकी पैकिंग करनी है। ये कह रहे हैं भाई पैकिंग हम तभी करते हैं जब हमारे को ऑर्डर मिलता है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।